हर हर महादेव संग गौरा पार्वती, कैसे हम लोग 129वां अध्याय शुरू करते हैं। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निकला जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव के द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र का और शिवाष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को बरपता। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निकल लिया था। ये घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभू की जठराग्नि में उन्हें जलाया क्यों नहीं? रघुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे, वे शंभू के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुनि, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीला मृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, अमित तेजस्वी, व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वरेश शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिवजी ने कहा, नंदन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषभ ध्वज के यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा लिया जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देवशत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े। जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बनेठी और गोपन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को विधित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुंचे। शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतना देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को प्रकट लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय की दशा सूंड रहित गजराज, सिंह रहित सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित पत्नी, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वैद्याध्यन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगन छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी काली माँ से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मलका का अपहरण करने वाले धरातीर्थ रणतीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है? अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, वज्र सरी के कठोर पत्थर,
भुशुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पट्टी, चित्रशूल, लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर, नैगमे और महाबली वैशाख आदि उग्रगणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आशय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणा साधे महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, देवेश्वर शंकर के योग कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजा अनंत हैं, आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप सुप्ते की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई गई हैं और आप अनंत मूर्ति भी। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिश्चय दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस प्रकार शुक्र को निगल लिया था, वह वृतांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था, उसका वर्णन सुना। महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है। ये मंत्र संस्कृत में है, इसके बाद हिंदी में मैं इसका अनुवाद करूंगा। हो सकता है कि उच्चारण में कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमस्ते देवेशाय, सुरासुर नमस्कृताय, भूत भव्य महादेवाय, हरित पिंगल लोचनाय, बलाय बुद्धिरूपिणे, वैयाग्र वसरच्छाताय, नियाय त्रिलोक के प्रभवे, ईश्वराय, हराय, हरिनेत्राय, युगांतकरणाय, नलाय, गणेशाय, लोकपालाय, महाभुजाय, महाहस्ताय, शूलिने, महादृष्टिने, कालाय, महेश्वराय, अव्ययाय, कालरूपिणे, नीलग्रीवाय, महोदराय, गणाध्यक्षाय, सर्वात्मने, सर्वभावनाय, सर्वगाय, मृत्युहंत्रे, पारियात्व सुवर्ताय, ब्रह्मचारिणे, वेदांतगाय, तपोन्ताय, पशुपते, व्यंगाय, शूलपाणे, वृषकेत्वे, हरये, चटिने, खंडने, लकुटिने, महायशसे, भूतेश्वराय, गुहावासिने, वीणापण वतालवते, अमराय, दर्शनीयाय, बालसूर्य निभाये, शमशानवासिने, भगवती उमापते, अरिंदमाय, भगसाक्षी पातिने, पुष्णोदशन नाशनाय, क्रूरकर्तकाय, पाशहस्ताय, प्रलय कालाय, उल्कामुखाय, अग्निकेतवे, मुनिये, दीप्ताय, विषांपाते, उन्नियते, जनकाय, चतुर्थकाय, लोकसप्तमाय, वामदेवाय, वागदक्षिणाय, वामतो भिक्षवे, भिक्षुरूपणे, जटिने, स्वयं जटिलाय, शक्रहस्त प्रस्थिस्तंभकाय, वसुनाम स्तंभकराय, कर्तवे कर्तुकराय, कालाय, मेघाविने, मधुकराय, चलाय, वनस्पस्ताय, वाजसनेति समाश्रम पूजिताय, जगधात्रे, जगत्कर्त्रे, पुरुषाय, शाश्वताय, ध्रुवाय, धर्माक्षराक्षाय, त्रिवर्तमने, भूतभावनाय, त्रिनेत्राय, बहुरूपाय, सूर्ययुत संप्रभाय, देवाय, सर्व तुर्य निनादते, सर्व बाधा विमोचनाय, वंदनाय, सर्वधारिणे, धर्मोत्तमाय, पुष्पदंताय, विभावाय, मुखाय, सर्वहराय, हिरण्यश्रवसेन्द्र द्वारिणे, भीमाय, भीम पराक्रमाय, ओम नमो नमः। अब इसका अनुवाद हिंदी में। ओम, जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और नीले नेत्रों से युक्त महाबली, बुद्धि स्वरूप बाघंबर धारण करने वाले अग्नि स्वरूप त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान ईश्वर, हर, हरिनेत्र, प्रलयकाली अग्नि स्वरूप गणेश, लोकपाल, महामुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले काल स्वरूप महेश्वर, अविनाशी, कालरूपी, नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, पारियात्र, पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले,
ब्रह्मचारी वेदांत प्रतिपाद्य तप की अंतिम सीमा तक पहुंचने वाले पशुपति विशिष्ट अनुभव वाले शूलपाणी वृषध्वज पापा हरि जटाधारी शिखंड धारण करने वाले दंडधारी महायशस्वी भूतेश्वर गुहा में निवास करने वाले वृणा पर प्रणव पर ताल लगाने वाले अमर दर्शनीय बाल सूर्य सरीखे स्वरूप वाले शमशानवासी ऐश्वर्यशाली उमापति शत्रुदमन भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले पूषा के दांतों के विनाशक क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले पाशधारी प्रलय काल रूप उल्कामुख अग्निकेतु मननशील प्रकाशमान प्रजापति ऊपर उठाने वाले जीवों को उत्पन्न करने वाले तुरीय तत्व रूप लोकों में सर्वश्रेष्ठ वामदेव वाणी की चतुरता रूप वाम मार्ग में भिक्षु रूप भिक्षुक जटाधारी जटिल दुराधार दुराराध्य इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले वसुओं को विजड़ित कर देने वाले शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीरे की तरह निकले थे उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से बनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। यज्ञ स्वरूप यज्ञकर्ता काल मेधावी मधुकर चलने फिरने वाले वनस्पति का आश्रय लेने वाले वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित जगद्धाता जगतकर्ता सर्वांतर्यामी सनातन ध्रुव धर्माध्यक्ष भू भुव स्व इन तीनों लोकों में विचरने वाले भूत भावन त्रिनेत्र बहुरूप 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली महादेव सब तरह के बाजे बजाने वाले संपूर्ण बाधाओं से युक्त करने वाले बंधन स्वरूप सबको धारण करने वाले उत्तम धर्म स्वरूप पुष्पतंत्र विभाग रहित मुख्य रूप सबका हरण करने वाले सुवर्ण के समान दीप्त कर कीर्ति वाले मुक्ति के द्वार स्वरूप भीम तथा भीम पराक्रमी हैं उन्हें नमस्कार है नमस्कार है। परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था कौन अंध और 108 नामों का स्मरण कर रहा था महादेव देवताओं में महान विरूपाक्ष विकराल नेत्रों वाले चंद्रार्धकृत शेखर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले अमृत अमृत स्वरूप शाश्वत सनातन स्थानु समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान स्थिर नीलकंठ गले में नील जेम धारण करने वाले पिनाकी पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले वृषभाक्ष वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले महज्ञ महान रूप से जानने योग्य पुरुष अंतर्यामी सर्व कामद संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामारी कामदेव के शत्रु कामदहन कामदेव को दग्ध कर देने वाले कामरूप इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कपद्री विशाल जटाओं वाले रूप विकराल रूपधारी गिरीश गिरी पर कैलाश पर शयन करने वाले भीम भयंकर रूप वाले सृक्की बड़े बड़े जबड़ों वाले रक्तवासा लाल वस्त्रधारी योगी योग के ज्ञाता कालदहन काल को भस्म कर देने वाले त्रिपुर गंगन त्रिपुरों के संहार करता कपाली कपाल धारण करने वाले गूढ़ व्रत जिनका व्रत गोपनीय नहीं होता गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले गंभीर गंभीर स्वभाव वाले भाव गोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले अणिमादी गुणाधर अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान त्रैलोक्यश्वरदायक त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले वीर बलशाली वीरहंता शत्रुवीरों को मारने वाले घोर दुष्टों के लिए भयंकर विरूप विकट रूप धारण करने वाले मांसल मोटे ताजे शरीर वाले पटु निपुण महामासांध श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले उन्मत्त मत वाले भैरव काल भैरव स्वरूप महेश्वर देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ त्रैलोक्य द्रावण त्रिलोकी का विनाश करने वाले लुप्त सुजनों के लोभी लुप्तक महाव्याध स्वरूपक यज्ञ सुदन दक्ष यज्ञ के विनाशक कृतिका सुतयुक्त कृतिकाओं के पुत्र स्वामी कार्तिक से युक्त उन्मत्त उन्मत्त का सा वेश धारण करने वाले कृतिवासा गजासुर के चमड़े को ही स्वरूप में धारण करने वाले गजकृति परिधान हाथी का चरम लपेटने वाले शुद्ध भक्तों का कष्ट देखकर शुद्ध हो जाने वाले भुजक भूषण सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले तत्तालंब भक्तों के अवलंबदाता वेताल वेताल स्वरूप घोर घोर शाकिनी पूजित शाकिनियों द्वारा समाराधित अघोर अघोर पद के प्रवर्तक घोर दैत्य धन धनकर दैत्यों के संहारक घोर घोष भीषण शब्द करने वाले वनस्पति वनस्पति स्वरूप भस्मांग शरीर में भस्म रमाने वाले जटिल जटाधारी शुद्ध परम पावन भैरुंड शब्द सेवित सैकड़ों भैरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित भूतेश्वर भूतों के अधिपति भूतनाथ भूतगणों के स्वामी पंचभूताश्रित पंचभूतों का आश्रय देने वाले खड खद गगन विहारी क्रोधित क्रोधयुक्त निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले चंड प्रचंड पराक्रमी चंडी से चंडी के प्राणनाथ चंडी का प्रिय चंडी का प्रियतम चंड तुंड अत्यंत कपीत मुख वाले गरुमान गरुड़ स्वरूप निस्त्रिंश खड़क स्वरूप शव भोजन शव का भूख लगाने वाले ललित लेलिहान क्रुद्ध होने पर जीव लबलपाने वाले महारात्र अत्यंत भयंकर मृत्यु मृत्यु स्वरूप मृत्यु गोचर मृत्यु की विपौ से परे मृत्यु 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 के विकाल महासेन विशाल सेना वाले कार्तिकेय स्वरूप शमशान निवासी शमशान एवं अरण्य में चरने वाले राग प्रेम स्वरूप विरक्त विराग आसक्ति रहित रागांध प्रेम में मस्त रहने वाले वीत राग वैरागी शतार्ची तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त सत्व सत्व गुण स्वरूप रजा सतजोगुण स्वरूप तमह तमोगुण रूप धर्म धर्म स्वरूप अधर्म अधर्म रूप
वासवानुज इंद्र के छोटे भाई उप इंद्र स्वरूप कृत्य सत्य सत्य रूप असत्य सत्य से भी पारे सद्रुप उत्तम रूप वाले असद्रुप विभत्स रूपधारी अहेतुक हेतुरति अर्धनारेश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले भानु सूर्य स्वरूप भानु कोटिशत प्रभा कोटिशत सूर्य के समान प्रभावशाली यज्ञ यज्ञ स्वरूप यज्ञपति यज्ञेश्वर रुद्र संहारकर्ता ईशान ईश्वर व्रत वरदाता शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेक कर दिया। पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ भी किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, यह देवेंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह नियम शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुगत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजा विराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते मुने सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगन में हर्षद गद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतापूर्वक लोक में जो जो निंदित कर्म किए हैं प्रभु, उन सबको आप अपने मन में स्थान न दें अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि मांग रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगजननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ देवते। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार को सह नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा मृत्यु और क्राम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीरपुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार, हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती देवी के गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहा हूँ। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए और मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ कणों के साथ निवास करूँ। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानवाभास का पुनः कभी स्मरण न करूँ। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात सुनकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसके कृपा दृष्टि देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत और अद्भुत जन्म का स्मरण हुआ। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती और बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। उन्हें महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है, इसे प्रयत्नपूर्वक जपना चाहिए। यहाँ पर अध्याय समाप्त होता है। यदि मेरे द्वारा कोई भी गलती भूल चुक हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हर हर महादेव। संग गौरा पार्वती। जय महा।